हेलो एवरीवन, आईआईटी एंड ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 12 जुलाई के लिए बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की लिस्ट, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट क्या लगा के रखना है और स्टॉप लॉस क्या बनेगा। मैं सेवी रिस्क एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको खुद से रिसर्च करनी हो और फिर ही आपको किसी प्रकार का ट्रेड है वो प्लान करना है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है, साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं जो इंट्राडे के स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट के ऊपर। तो जो सबसे पहले नंबर का स्टॉक हमने चुना है वो है BHEL, ठीक है। अब BHEL में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रखा है इसने, और रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्टिंग हुई और फिर से ये निकलने की तैयारी कर चुका है। और आप देख सकते हो कि जो PSE यहाँ पे है, ठीक है, निफ्टी जो PSU है या PSE जिसके नाम से जाना जाता है, निफ्टी ये वाला इंडेक्स काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर ऊपर के अंदर ये 335 का लेवल निकालता है तो आपको एंट्री करनी चाहिए 338 के टारगेट के लिए। जो सेकंड टारगेट बनेगा हमारा 341 का बनेगा, स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर 332 का लगा के रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो यहाँ पे सेकंड नंबर का स्टॉक हमारा है वो है कोचिन सीपीआर, ठीक है। कोचिन सीपीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये एक रेंज बनाता है, यानी कि छोटी सी करेक्शन करता है, फिर से काफी अच्छी मोमेंटम देता है, फिर से छोटी करेक्शन, फिर से मोमेंटम, फिर छोटी इसकी करेक्शन करता है, फिर से मोमेंट। अब यहां पे आप देखोगे छोटा सा इसने करेक्शन किया है। अब इसके अंदर हो सकता है इसके अंदर 5% का एक सर्किट लगा है, और शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए और शिपिंग जो कंपनी है उनके लिए काफी अच्छी यहाँ पे न्यूज बजट के अंदर निकल करके आ सकती है। तो इसके अंदर कल है वो फिर से एक मोमेंटम मिल सकता है। तो यहां पे भी आप 2864 के ऊपर निकले तो आप एंट्री कीजिएगा। 2890 पहला टारगेट बनेगा, 2910 का सेकंड टारगेट बनेगा, एंड स्टॉप लॉस आपको 2840 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में यहाँ पे थर्ड नंबर का स्टॉक है वो है NHPC, पावर जनरेशन कंपनी है यहाँ पे, या फिर पावर से रिलेटेड कंपनी है। उनके लिए काफी अच्छी यहाँ पे गवर्नमेंट है वो प्लानिंग कर रही है, और आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक काफी अच्छी करेक्शन है वो हो चुकी है, और यहाँ पे ये चल चुका है अपसाइड में। तो पहले तो ये जो हाईज है इनको टच करेगा, तो यहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो। 114.5 के ऊपर निकले तो आपको एंट्री करनी चाहिए 115.5 एंड 116.5 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको 113.5 का लगा के रखना है। तो ये हमारा थर्ड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो यहाँ पे फोर्थ नंबर, यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का स्टॉक है वो है HPCL, फिर से यहाँ पे PSE कंपनी है। आप देख सकते हो कि जो आज आप देखोगे यहाँ पे तो जो यहाँ पे ऑयल से रिलेटेड कंपनी है, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनके अंदर भी काफी मोमेंटम आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे डाउन साइड के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ये काफी अच्छी सपोर्ट के जैसे काम करती है, और कल यहाँ पे सपोर्ट लेकर के यहाँ पे मार्केट है वो आज अपसाइड में निकल चुका है। तो ये भी अपसाइड में जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जो एंट्री का लेवल होगा वो हमारा 353 का होगा। इसके ऊपर निकलता है तो आपको एंट्री करनी चाहिए 357, ये पहला टारगेट बनेगा, एंड 361 सेकेंड टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस आपको 349 का लगा के रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे फोर्थ नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो लास्ट नंबर का स्टॉक है वो है NLC इंडिया, ठीक है। NLC इंडिया के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी करेक्शन है वो हो चुकी है, और ये यहाँ पे ये वाला जो एक एरिया था या फिर ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इसको ब्रेकआउट दे करके निकला है। ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसके पास में एक बार रुका था, अभी ये जो हाईज हैं उनकी तरफ जाने की पूरी तैयारी है, और ये निकलेगा भी बहुत अच्छा। लॉन्ग टर्म के लिए ये जो स्टॉक्स हैं ना मैं जो बता रहा हूँ बहुत अच्छे होने वाले हैं। NLC इंडिया हो गया आपका, कोचिन सीपीआर हो गया, BHEL हो गया, ठीक है, इनको आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब जो एंट्री लेवल है वो 290 का होने वाला है, ठीक है। मैं स्टॉक से याद आ रहा था मुझे बीच के अंदर की NHPC मैंने बताया नहीं बताया, तो NHPC भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। NLC इंडिया 290 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, 293 पहला टारगेट बनेगा,
295 सेकेंड टारगेट बनेगा, एंड जो स्टॉप लॉस है वो 287.5 का आपको लगा के रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट नंबर का स्टॉक हो गया। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो वेस्ट 5 इंट्राडे स्टॉक्स की लिस्ट है वो बताई है, जिसके अंदर मैंने आपको सभी एंट्री और टारगेट और स्टॉप लॉस बताया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल